बागमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफ रोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूँ आबिद हुसैन शेख। कोविड 19 मीडिया हेल्थ बुलेटिन में आज राज्य में 38,083 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले। अब कुल राज्य में कोरोना पीड़ितों की तादाद पहुंची है 36,92,496 को। 67,236 लोग हुए हैं आज एक ही दिन में डिस्चार्ज, जिससे 33,25,001 को पहुंची। अब तक राज्य में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,28,711 लोगों का इलाज चल रहा है। आज एक ही दिन में 49 लोगों के मरने से 38,754 को पहुंची अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की तादाद। आइए देखते हैं जिलों में क्या है कोविड 19 आज के मामले। बागलकोट में 345, बल्लारी में 651, बेलगाम में 480, बेंगलुरु ग्रामीण में 1,091, बेंगलुरु सिटी में 17,717, बीदर में 250, चामराजनगर में 763, चिकबल्लापुर में 665, चिकमंगलुरु में 244, चित्रदुर्ग में 286, दक्षिण कन्नड़ में 678, दावणगेरे में 257, धारवाड़ में 1,155, गदग में 267, हासन में 1,452, हावेरी में 184, गुलबर्गा में 812, कोडगू में 707, कोलार में 572, कोप्पल में 500, मंडिया में 1,802, मैसूरु में 2,587, रायचूर में 261, रामनगर में 279, शिमोगा में 626, तुमकुरु में 1,584, उड़पी में 948, उत्तर कन्नड़ में 267, बीजापुर में 223, यादगिर में 130 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं आज राज्य भर में सामने। बात करें बीजापुर की, तो आज राज्य की मीडिया हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बीजापुर में 223 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले। अब कुल जिले में कोरोना पीड़ितों की तादाद पहुंची है 29,146 को। 280 लोग हुए हैं आज एक ही दिन में डिस्चार्ज, जिससे 37,049 को पहुंची है अब तक जिले में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद। 1,598 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक जिले में 499 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अच्छा पता है, अब घर बैठे सब कुछ मिलेगा, मतलब फूड, ग्रोसरी, राव, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पार्टी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया आपका नाम? बिगोस। इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।